दुनिया की सबसे कम उम्र खरबपति खातून काइली जेनर के बारे में 8 दिलचस्प हकाइक। 8 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनियर काइली जेनर। दोस्तों, काइली जेनर वो नौजवान खातून हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और सिर्फ 21 साल की उम्र में दुनिया की यंगेस्ट बिलियनियर यानी कि सबसे कम उम्र खरबपति खातून बनकर दिखाया। काइली का ताल्लुक दुनिया की सबसे मशहूर और बदनाम फैमिली कार्डेशियन जेनर फैमिली से है, जो कि पूरी दुनिया में ही अपनी कामयाबी, अपनी इमारत, अपनी शोहरत, नकली खूबसूरती, मॉडलिंग, सोशल मीडिया और अपने टीवी के प्रोग्राम कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस की वजह से काफी मशहूर भी हैं और बदनाम भी। इनके खानदान को बार बार सर्जरियां करवाने की वजह से वर्ल्ड्स फेकेस्ट फैमिली यानी कि दुनिया का सबसे नकली खानदान भी कहा जाता है। काइली ने एक छोटी सी उम्र में ही अपने खानदान के साथ माल कमाना शुरू कर दिया था। खास तौर पर इनकी माँ क्रिस जेनर एक बेहतरीन बिजनेस वुमन है जिन्होंने पहले दिन से ही अपनी तमाम औलाद को पैसा कमाने के गुर सिखा दिए थे और इसीलिए काइली जेनर सिर्फ 21 साल की उम्र में वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनियर बन चुकी थी। टॉक शॉक चैनल कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिलियनियर काइली जेनर किस तरह एक छोटी सी उम्र में इतनी अमीर हो गई और वो अपने पैसे से किस तरह अय्याशी करती हैं। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और साथ मौजूद घंटी के आइकॉन को क्लिक करें ताकि टॉक शॉक फैमिली की ये तमाम जबरदस्त वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों काइली जेनर का पूरा नाम काइली क्रिस्टियन जेनर है और ये 10 अगस्त 1997 को अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में पैदा हुई थी। काइली का खानदान बिलाशुबा एक काफी उल्टा सीधा खानदान है और ये बात भी इनके खानदान की शोहरत की एक बड़ी वजह भी है। इनके वालदैन का नाम ब्रूस जेनर और क्रिस जेनर है। इनकी वालदा एक कामयाब बिजनेस वुमन है जबकि इनके वालिद एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट थे, मगर साल 2015 से 2017 के दरमियान इन्होंने अपने पूरे जिस्म की बेतहाशा सर्जरियां करवा के आखिरकार दुनिया को ये बताया कि वो एक औरत है, मर्द नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी जिंदगी ही खुद को एक औरत महसूस करते आए हैं और आज दुनिया इनको कैटलिन जेनर के नाम से जानती है और इनको अमेरिका की सबसे बहादुर खातून होने का अवार्ड भी मिल चुका है। काइली का खानदान ऐसा ऊट पटांग खानदान है कि सभी ने अपने बाप की इस हरकत को टीवी पर आके सेलिब्रेट भी किया कि ये हमारा अब्बा खुसरा निकला है। काइली की एक और बड़ी बहन केंडल जेनर भी है जबकि इनके 8 सुतेले बहन भाई भी हैं। इनकी 4 दूसरी बहनें किम कार्डेशियन है जो कि खुद एक सेलिब्रिटी है, कोर्टनी कार्डेशियन है, कोल कार्डेशियन है और कैसेंड्रा मरीनो भी मौजूद है। इन्होंने अपनी तालीम पहले सेरिया कैनियन स्कूल और उसके बाद कैलिफोर्निया में ही मौजूद लॉरेल स्प्रिंग स्कूल से हासिल की। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों साल 2014 में काइली जेनर ने गुलूकार टाइगा के साथ डेटिंग करना शुरू कर दिया जब वो सिर्फ 17 साल की थी। काइली जेनर के लिए टाइगा ने अदाकारा और गुलूकारा ब्लैक चाइना को भी छोड़ दिया जो कि इस वक्त ना सिर्फ इसकी मंगेतर थी बल्कि इसके एक बच्चे की माँ भी थी। इन दोनों की इस हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर काइली जेनर की काफी बेइज्जती भी की गई, मगर दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। इसके बाद काइली ने टाइगा की म्यूजिक वीडियो स्टिम्युलेटेड और डोप्ड अप में मॉडल के तौर पर काम भी किया। अप्रैल 2017 में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया जिसकी बड़ी वजह ये थी कि इन दिनों काइली का मशहूर रैपर ट्रेविस स्कॉट के साथ चक्कर शुरू हो चुका था। टाइगा को छोड़कर इन्होंने फौरन ही ट्रेविस स्कॉट के साथ नजर आना शुरू कर दिया और 2018 में इनकी बेटी स्टॉर्मी वेबस्टर पैदा भी हो गई। काइली जेनर इनके साथ म्यूजिक वीडियो स्टॉप ट्राइंग टू बी गॉड में नजर भी आई। सितंबर 2019 में इन दोनों का काफी लंबा चौड़ा ब्रेकअप भी रहा, मगर उस दौर में फैलने वाली वबा के दिनों में लॉकडाउन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए जिसके नतीजे में इनका एक और बेटा वुल वेबस्टर भी पैदा हो चुका है। दोस्तों काइली जेनर और जॉर्डन वुड्स ना सिर्फ बचपन की अच्छी दोस्त हैं बल्कि बहनों की तरह एक दूसरे के करीब समझी जाती रही हैं। इन दोनों ने लाइफ ऑफ काइली और कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस में कुछ अरसा एक साथ काम भी किया है। इन दोनों ने काइली कॉस्मेटिक्स में काम करते हुए काइली एंड जॉर्डन कलेक्शन के नाम की अपनी मेकअप लाइन भी दुनिया में मुतारिफ करवाई, मगर दोनों की दोस्ती इस वक्त खराब होगी जब जॉर्डन वुड्स के ट्रिस्टन थॉमसन के साथ ताल्लुकात मंजरेआम पर आ गए। हालांकि ट्रिस्टन कोल कार्डेशियन के मंगेतर भी थे जो कि काइली की बहन है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों वैसे तो आमतौर पर खवातीन को स्पोर्ट्स कार का इतना शौक नहीं होता, मगर काइली जेनर यहाँ भी दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। इनके पास एक जबरदस्त कार कलेक्शन मौजूद है। इनकी सबसे पसंदीदा कार इनकी बुगाटी शिरोन है जो कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख अमेरिकी डॉलर्स की है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 72 करोड़ रुपए के लगभग बन जाते हैं। इसके अलावा इनके पास एक फरारी 458 स्पाइडर भी है जो कि 2,50,000 डॉलर्स की है, एक फरारी 488 स्पाइडर भी है जो कि 2,85,000 डॉलर्स की है, एक फरारी लाफर्टा पट्टा है जो कि 44 लाख डॉलर्स की है, एक लंबरगिनी अवेंटाडोर एसवी रोडस्टर है जो कि 4 लाख डॉलर्स की है, एक लंबरगिनी ओरस भी मौजूद है जो कि 2,25,000 डॉलर्स की है, जबकि एक मर्सिडीज मैबैक S600 है जो कि 2 लाख डॉलर्स की है। ये तमाम की तमाम गाड़ियां लग्जरियस और फास्ट होने में अपनी मिसाल आप हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अब हम आपको इस कंपनी के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से काइली जेनर वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियन होने का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं
और वो है काइली कॉस्मेटिक्स। काइली ने ये कंपनी 2015 में बनाई थी। ये कंपनी शुरू में सिर्फ काइली लिप किट्स, लिक्विड लिपस्टिक्स, लिप लाइनर सेट्स बेचा करती थी और इसका नाम काइली लिप किट्स ही था। 2018 में इस कंपनी की नेटवर्थ $800 मिलियन हो चुकी थी, जिसके बाद एक कंपनी कॉटी इंक्लूसिव ने इस कंपनी के 81% शेयर्स खरीद लिए और आज इस कंपनी की नेटवर्थ $1.2 बिलियन से भी ज्यादा है। इस कंपनी की ज्यादातर अशिया कार्डिशियन जेनर फैमिली की खवातीन के साथ बिजनेस की शराकत दारी में बनाई गई हैं। आज काइली कॉस्मेटिक्स हर तरह के मेकअप का बिजनेस करती है, जिनमें खासतौर पर लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, परफ्यूम्स, लिप ग्लॉस, स्किन केयर और बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। काइली को इस वक्त काफी तनकीद का निशाना बनाया गया जब इनका लग्जरी ब्रिश स्कैंडल सामने आया, जब दुनिया को यह पता चला कि एक आम सा मेकअप का ब्रिश इनकी कंपनी $500 का यानी कि पूरे 225,000 रुपए का बेच रही थी। इनको इस वक्त भी शर्म दिलाई गई जब इन्होंने बेरली लीगल, वर्जिनिटी, एक्सरेटेड, हॉट एंड पाउडर्ड के नाम के कुछ मेकअप के आइटम्स बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत से कम उम्र लोग ही इनकी चीजें खरीदा करते थे। मगर यार ये काइली जेनर है, इसने रुकना थोड़ी था। 8 अप्रैल 2020 को फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सामने पहली बार काइली जेनर को वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर का खिताब दिया और कहा कि इनकी कुल नेटवर्थ इस वक्त $1.2 बिलियन बन चुकी है। मगर मैं बाद में पता चला कि इन्होंने बहुत से अमीर लोगों की तरह टैक्स चोरी कर रखा है, बल्कि इन्होंने अपने सालाना प्रॉफिट्स की रिपोर्ट्स में भी बहुत कुछ गड़बड़ कर रखा है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों काइली और उनके पूरे खानदान को हमेशा से ही फेमस फॉर बीइंग फेमस होने की वजह से बुरा भला कहा जाता रहा है, यानी कि वो लोग सिर्फ मशहूर होने की वजह से ही मशहूर हैं और इनके पास कोई टैलेंट नहीं है और ना ही कोई दिमाग है। काइली की कहानी आज से तकरीबन 15 साल पहले के जमाने से शुरू होती है, जब सोशल मीडिया वायरल हो चुका था और तमाम ही कार्डिशियन सिस्टर्स ने अपने बालों से लेकर अपने पांव तक जिस्म के हर हिस्से की हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी और इस मामले में इनका बाप इन सबको पीछे छोड़ गया था और आज भी वो एक सी खातून के तौर पर मौजूद है। अपने मोटे मोटे होठों के साथ काइली जेनर ने इंस्टाग्राम पर मॉडलिंग भी शुरू कर दी और दुनिया ने इनकी शोहरत की वजह से इनको मिलियंस की तादाद में फॉलो करना शुरू कर दिया और आज इस वक्त दुनिया के 305 मिलियन अफराद इनको फॉलो करते हैं, जिनमें आपका पंजाबी मुंडा दिलजीत दुसांझ भी शामिल है, जो कि काइली जेनर का ऐसा दीवाना है कि इसके नाम पर एक गाना भी गा चुका है। शुरू के दिनों में काइली को अचानक बहुत मशहूर होने की वजह से टीवी एड्स भी मिलने लगे और वो खुद को मॉडल भी कहने लगी थी, क्योंकि जब आपके पास ऐसा होगा तो आप कुछ भी अफोर्ड कर सकेंगे, बेहतरीन कपड़े पहन सकेंगे, अच्छा दिख सकेंगे, खुद को मेंटेन भी कर सकेंगे। इन्हीं दिनों काइली और केंडल ने एक साथ एक शो की मेजबानी की जिसका नाम था ग्ली द कॉन्सर्ट मूवी, जहां पर इन्होंने फिर कुछ मुतनाजा हरकत की और एक बार फिर दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ कर ली। 2012 में इन्होंने मशहूर फिल्म द हंगर गेम्स मूवी की कास्ट का इंटरव्यू किया, इस वक्त ये सिर्फ 15 साल की थी। 2011 बहनों में दोनों बहनों ने एक साथ एक नेल पॉलिश की कंपनी को स्पॉन्सर किया, इस तरह इन्होंने इस दिन पहली बार मेकअप इंडस्ट्री में भी कदम रख लिया था। फैक्ट नंबर 6, काइली ने अपना ज्यादातर पैसा काइली कॉस्मेटिक से ही बनाया है। शुरू में इन्होंने दूसरों की प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया और यहाँ से इनको प्रोडक्ट्स, बिजनेस और मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में पता चलना शुरू हो गया कि आखिरकार इंसान बिजनेस को चलाता कैसे है। इसके बाद दोनों बहनों ने काइली एंड केंडल क्लोथिंग लाइन एंड ज्वेलरी भी निकाल दी, क्योंकि दोस्तों जब आपके पास पैसा और शोहरत दोनों ही मौजूद हो तो आप इस शोहरत को अपने पैसे के जरिए अच्छी तरह कैश करके और भी ज्यादा माल कमा सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे खानदान को कोई और नहीं बल्कि इनकी माँ क्रिस जेनर चला रही है, जो कि एक बहुत ही शातिर बिजनेस वूमेन है। जैसा कि आप जानते हैं कि फेमस सेलिब्रिटीज के लिए अपनी अशिया की मार्केटिंग करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए काइली एक बेहतरीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाई जाती हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया को अपनी अशिया की मार्केटिंग के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती हैं। कुछ लोग इस बात को क्रिटिसाइज भी करते हैं, जबकि कुछ इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि इन लोगों ने अपनी शोहरत का फायदा उठा के खुद को खरबपति बना लिया है। इसलिए काइली को एक सोशल मीडिया मार्केटिंग गुरु भी माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने चाहे जैसे भी हो एक छोटी सी उम्र में ही दुनिया को सबसे कम उम्र बिलियनियर बनकर दिखाया है और एक कामयाब बिजनेस भी अपने पैरों पर खड़ा किया है, जो कि आज दुनिया के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब मुल्क में बेचा जा रहा है। सबसे मजे की बात तो ये है कि इस सब को करने के लिए इन्हें किसी भी किस्म का हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अपने मेकअप और ज्वेलरी की कामयाबी के बाद इन्होंने अपनी शू लाइन भी लॉन्च कर दी है और अब इन्होंने म्यूजिक वीडियोज में मॉडलिंग करना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो खुद को एक प्रोफेशनल मॉडल भी कहलाती हैं। 2014 में दोनों बहनों ने एक साइंस फिक्शन नॉवेल की सीरीज भी अपने नाम से बेचना शुरू कर दी, जिसका नाम था रेबल्स द सिटी ऑफ इंदिरा, यानी कि वो खानदान जो कि दुनिया का सबसे ब्रेनलेस और बेवकूफ होने की वजह से मशहूर था, अब किताबें भी बेचने और लिखने लगा है। किसी को इस बात पर यकीन नहीं आया कि ये किताबें इन्होंने खुद लिखी हैं और रिसर्च करने पर ये भी पता चला कि इन्होंने किसी गरीब घोस्ट राइटर को पैसे देकर ये किताबें लिखवाई हैं और इसकी कॉपीराइट यानी कि इसके हकूक खुद खरीद
जीत लिए थे। एक बार फिर से इस दो नंबर खानदान को क्रिटिसाइज किया गया, मगर इनके फैंस की तादाद मिलियंस में नहीं अब बिलियंस में जा रही है, इसलिए इसके बावजूद भी इनकी किताबें खूब बिकी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों साल 2014 में काइली ने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो इनको इनका अपना ब्रांड बना के देंगे। काइली हमेशा से ही अपने लिप्स की वजह से बहुत इनसिक्योर रही थी, क्योंकि पूरे बचपन ही इनके होंठों का मजाक उड़ाया गया, इसलिए इन्होंने एक मेकअप लाइन निकाली जो कि इनके लिप्स यानी कि इनके होंठों के बारे में थी, और ये थी काइली लिप किट। और इस प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए इनकी वालदा ने अपनी जेब से $3,00,000 उस दौर में लगा डाले थे। इन्होंने पहली बार 20,000 लिपस्टिक्स बनाई और बेची, और इसलिए आज इनको सेल्फ मेड बिलियनियर भी कहा जाता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो हजारों डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के बारे में सोच रही थी। लॉन्च होने के बाद इनकी लिप किट चंद ही लम्हों में हाथों हाथ बिक गई, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया में एक सुपरस्टार बन चुकी थी। 2014 से 2016 के दरमियान काइली की 500,000 लिप किट्स बिकी और वो हर महीने का $5 मिलियन कमा रही थी। इन्होंने इस तरह अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके इसको बड़ा करना शुरू कर दिया, और कोटी इंक्लूसिव कंपनी की तरफ से एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट के बाद वो 2019 में सिर्फ 21 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र सेल्फ मेड बिलियनियर बन गई। दोस्तों ये थे काइली जेनर और इनकी आमदन और इनके खर्चों के बारे में कुछ दिलचस्प हकाई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।